मस्कर के समय है, समय मेरे पीछे में देख रहे हैं मशरूम का सेट है, मुर्गी पालन का सेट है। आप लोगों ने प्रोफेशनल सेट तो देखे होंगे मुर्गी पालन का, लेकिन आज आपको मैं ऐसा सेट दिखाने वाला हूँ जो कि पूरे तरह से जुगाड़ है। कोई भी इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज नहीं आए हैं, वो भी अपने रूम के कमरे से मुर्गी पालन स्टार्ट किए हैं और साथ ही साथ ही एक साथ मछली पालन भी और फसल की खेती भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं भैया को मिलाने का जा रहा हूँ। तो नमस्कार भैया, आप थोड़े से हमारे दर्शक भाई को एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार भैया, मेरा नाम राधा श्याम धीमा, ग्राम सुरगी जिला राजनामा का रहने वाला हूँ। मैं किसी विज्ञान केंद्र किसी महाविद्यालय के मार्गदर्शन से मुर्गी पालन और मछली पालन का कार्य शुरू किया हूँ, जिससे आज मुझे 4-5 जिला के किसान भाई और सब ग्रामवासी सब मुर्गी पालन के नाम से जानते हैं। मुर्गी पालन मछली पालन मेरा व्यवसाय है। पहले तो मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई होता था। जब से किसी विज्ञान के अंदर किसी महाविद्यालय के मार्गदर्शन से मुर्गी पालन और मछली पालन का व्यवसाय करना चालू किया हूँ, तब से कम मैं तो अभी 30,000 मंथली तो कमा ही लेता हूँ। मैं इससे अपने पालन पोषण घर परिवार को अच्छी तरह से व्यवस्थित पाल रहा हूँ। तो भैया, आप लोगों ने दिखाया कि 3 सेट है, तो एक सेट में कितना मुर्गी पालन कैपेसिटी है? ये है 15x20 का है, इसमें 200 मुर्गी आराम से पल जाता है। ये पूरा पैरेंट मुर्गी है, जो अंडा दे रहा है वो है, बेचने का नहीं है, अंडे वाले है। इसे अंडा को इंक्यूबेटर में डाल के बच्चा निकाल के बच्चा सप्लाई काम करते हैं हम लोग। इसको जो अंडा देने वाले मुर्गी है उसको आम भाषा में लेयर कहते हैं, और जो मांस देने वाले रहते हैं उसको बॉयलर कहते हैं। तो क्या है जो कॉकरेज है जो मांस देने वाले है उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं? ये असल में देसी नस्ल का मुर्गी है, इसको सोनाली मुर्गी बोलते हैं। देसी है, प्योर देसी है, ये सोनाली मुर्गी है। ये अंडा पर्पस के लिए रखे हैं हम लोग बच्चे निकालने के लिए। एक सोनाली मुर्गी कितना अंडा दे सकते हैं? एक सोनाली मुर्गी को 250 से 300 अंडा देता है। तो देख सकते हैं 250 से 300 अंडा दे सकते हैं जो होते हैं। और जैसे अंडा देने के बाद मुर्गी वयस्क हो जाते हैं तो इसको इसको हाँ, जैसे अंडा देने से आज मुर्गी आज हम लोग पाले, फिर 5वां महीना बाद अंडा देगा, फिर 5 महीना लगातार अंडा देगा ये। अच्छा। उसके बाद इसको मांस सप्लाई में बेच देते हैं, अंडा देना जैसे बंद किया है ना, इसको मीट पर्पस में बेच देते हैं। तो ये तो बात हुआ मुर्गी पालन का। इसके साथ साथ आपने बताया कि आप लोग मछली पालन भी करता हूँ और साथ ही साथ फसल उत्पादन भी करता हूँ। तो मछली उत्पादन में आप लोग कितने एरिया को कवर कर रहे हैं? मछली उत्पादन में मेरे पास वही तकरीबन 1 एकड़ तालाब 10 एकड़ के आसपास होगा मेरे पास तालाब। 10 एकड़ है और 8-10 एकड़ किसानी भी करता हूँ मैं, धान का बुआई। बहुत बड़े किसान भाई कि आपने 10 एकड़ का मछली पालन भी करते हैं और 8-10 एकड़ में कृषि भी करते हैं, तो इसके युवा किसान भाई को बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं आप और ऐसे ही कार्य करते रहे। तो एक छोटा सा और बताना कि आप लोग मेंटेनेंस कैसे करते हैं? जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया, तो इन दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? ये ऐसा मुर्गी है, इसमें मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बॉयलर मुर्गी रहता है उसमें दिक्कत रहता है, ये तो गर्मी भी सह लेता है, ठंड भी बारिश भी आसानी से कहीं भी ढल जाता है इसमें। उसमें वो पंखा वंखा गैस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो आइए थोड़ा व्यू दिखाते हैं आप लोग शहर के अंदर क्या क्या है। आइए मक्का का दाना है और तो बात लगा जल्दी कर। तो इसको कैसे डेवलप किया भी है उसको भी बताना। ये तो सब डिंगल फीडर सब रेडीमेड मिल जाता है, फिर दुकान से लेके आओ, इसमें यहाँ लटका दो, ये दाना खिलाने वाला फीडर है, इसमें दाना डाल दो, फिर मुर्गी खाता रहेगा, इसमें जितना खाएगा उतना निकलेगा, बाकी इसमें सेफ्टी पड़ा रहेगा। और पानी वाला डिंकर वहाँ पड़ा है, इसमें एक बार पानी पैक करके डाल दो उसमें। पानी वाला डिंकल है, इसमें एक बार पानी पैक कर दो, ऐसा डाल दो, फिर इसको ऐसे पलट के रख दो, जितना पिएगा उतना ही निकलेगा, बाकी उसमें सेफ्टी रहेगा। उसमें बीट गीला नहीं होगा, बीट जैसे गीला होगा तो स्माइल आएगा, उसमें रहेगा तो सेफ्टी रहेगा, बीट गीला नहीं होगा तो स्माइल भी नहीं आएगा, बड़ा बड़ा उसको दिक्कत भी नहीं होगा। साफ कर लेते हैं, कितने दिन के अंदर इसको साफ करना पड़ता है? ये तो डब्बा तो रोज ही साफ करना पड़ता है भाई, ये तो हम लोग 4-6 महीने में करते हैं रूम। हाँ नहीं, ये रूम को अच्छा रूम को 4-5 ये तो रोज करना पड़ता है, इसका पानी और दाना वाला डब्बा को साफ करना पड़ता है।
तो आइए दो शेड और है उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये भैया लोग मुर्गी के दाने में बहुत सा बचत करते हैं, जिसके कारण हमारे पूंजी भी बचत हो जाता है। जैसे घर के जो बचा हुआ खाना उसको भी मुर्गी को फीड कराया जाता है। और ये बता रहे थे कि कल इस मछली को हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग जाली बना रहे हैं। और कड़कनाथ और एक जो रेड कलर का है वो कौन सा मुर्गी है? ये वर राजा है। ये मन ये काला कड़कनाथ है, बाकी वर राजा है, मीट के लिए है। ये दोनों जाते हैं ग्राहक उसको बेचने के लिए है, ये मीट का पास के लिए। तो एक कड़कनाथ मुर्गी कितने रुपए तक जाता है? एक कड़कनाथ मुर्गी हम लोग अभी 500 रुपए केजी बेच रहे हैं। 500 रुपए केजी देख सकते हैं। जो अदर मुर्गी है उससे बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है ये। तो इसका भी खेती करके आप लोग मोटा मोटा बहुत सारा इनकम कमा सकते हैं। ठीक है जी। और 4 से 5 महीने में इसको भी सफाई करना पड़ता है। इसमें कोई मतलब एग्जॉस्ट नहीं, कुछ एकदम नॉर्मल से। और आइए दिखाते, छोटा चूजा भी ये साइड वाले रूम में है। कड़क देख सकते हैं, वो कड़क ना छोटा बच्चा 1 महीने का है। वो अभी 80 रुपए का सेल है, वो 80 रुपए का हो गया है। वो एक चूजा 80 रुपए का है, कड़कनाथ 1 महीने का बच्चा है। ये अभी सोनाली का बच्चा है, अभी 5 दिन का बच्चा है, ये अभी 30 रुपए का है। हम लोग इसको आप लोग छोटा चूजा लेना चाहते तो इस भाई से संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। जिस किसी भाइयों को बच्चा चाहिए तो मुझसे संपर्क करना, मिल जाएगा बच्चा। एक बार नंबर बता दीजिए आप मिल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 3993567585। तो देख सकते हैं अपने देसी जुगाड़ से एक छोटा सा बुगर बनाया है। तो आइए और दिखाते हैं। अंडे के लिए इंक्यूबेटर भी रखे हैं। ये है इंक्यूबेटर मशीन। किसान भाई ये है अपना इंक्यूबेटर, जो कि केवीके के माध्यम से भैया को योजना के माध्यम से मिला है। और देख सकते हैं लाभान्वित कृषक करके ये भी केवीके की तरफ से मिला है। कैसे भैया ये केवीके की तरफ से मिला है? हाँ, ये सब किसी भी ज्ञान केंद्र किसी महाविद्यालय के मार्गदर्शन से ही मेरे को मिला है। तो कितना कैपेसिटी है इसमें? ये एक मशीन का 600 अंडे का कैपेसिटी है एक मशीन की। और टेम्परेचर को कैसे मेंटेन? ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक बार मेंटेन कर लो फिर उसको छीने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब हो जाता है। टर्न ऑटोमेटिक टर्न होता है, हर घंटा ऑटोमेटिक टर्न होगा वो। और इसको पलटने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब मशीन कर लेता है, ऑटोमेटिक टर्न होता है वो। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टर्न हो रहा है। 4 से 1 हफ्ता के अंदर इसको फर्स्ट वैक्सीन लगाना पड़ता है, छोटा ही पीस है। फिर 15-2 दिन में इसको हम लोग दूसरा टीका लगाते हैं गम्बारो करके। फिर तीसरा रानी खेत 1 महीने के आसपास रानी खेत का तीसरा टीका लगा के कम्प्लीट देते हैं। जैसे इसको सर्दी हो गया तो इसका नाक बहना, आँख में सूजन आना, पानी आना, तो उसके लिए वो रिस्टिकल करके वो ये पाउडर आता है उसको पिलाते हैं, 2-3 दिन लगातार तो ठीक हो जाता है। अच्छा। इसको के टाइलोसिन या न्यूरोक्स पाउडर पी जाए, तो पाउडर है कोई भी मिल जाए कहीं भी ले आओ और पिलाओ तो ठीक हो जाता है। मुर्गी पूरे वयस्क होने तक कितना दाना का खर्चा हो सकता है? एक मुर्गी पालने में वही 100-110 रुपये दाना खा लेता है एक मुर्गी। किसान भाई देखा कि कैसे किसान भाई ने बहुत ही जुगाड़ के माध्यम से मुर्गी पालन कर रहे हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं, लगभग 10 एकड़ के तालाब में, और वही 8 से 9 एकड़ तक खेती भी करते हैं। तो ये युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आप लोग मुर्गी पालन को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने सभी के मन में शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।